नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैश रजिस्टर के बारे में, जो कि लियो ऐप के अंदर आता है। लियो ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप जाके प्ले स्टोर से भी वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम पूरे ऐप को बंद कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, लियो ऐप एक ऐप होता है जो कि पूरा ऑल डॉक्यूमेंट आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। आप यहां पे लियो ऐप को ओपन कर लेना है। लियो ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, हमारा जो मेन इंटरफेस होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि देखिए, अब टेम्पलेट पे एक ऑप्शन मिलता है, हमें यहां पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पे हमें देखिए, ये अदर कैटेगरीज में है, ठीक है, और यहां पे हमें चेंज वाले ऑप्शन पे आएंगे। हो सकता है जब आप ऐप इंस्टॉल करें तो कुछ भी इसमें से आपको सामने फ्रंट ओपन हो, लेकिन हमें नीचे करके यहाँ अदर वाले ऑप्शन पे आके क्लिक कर देना है। इसमें आपको मिलता है फ्रेंड्स ये चौथा नंबर, कैश रजिस्टर। हमने इस तीनों पे क्रेडिट डेबिट लेजर टास्क लिस्ट एम्प्लॉय डिटेल्स पे तीनों पे वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इस तीनों का वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी से प्ले लिस्ट में रखा हुआ है। हमें फ्रेंड्स कैश रजिस्टर कैसे रिकॉर्ड रखना है, देखिए, रिकॉर्ड योर कैश इन एंड आउट इन ए रजिस्टर एंड कीप ट्रैक द अवेलेबल कैश, ठीक है। तो सिंपली हमें इस पे ओपन कर देना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, इससे पहले वाले जो वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे यूज़ करना है, इसी तरीके से सेम हम देखें यहाँ पे यूज़ दिस टेम्पलेट, ठीक है। हमें यहाँ पे टेम्पलेट पे हमें क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास एक सामने नया पेज ओपन होके आया है। अब यहाँ पे हमें देखिए ट्रांजेक्शन टाइप पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप पूछ रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। कैश इन या कैश आउट, मतलब मेरे पास कैश आया है कि हमने किसी को दिया है, तो हमने पहले कैश आया है पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया है, मान लीजिए 5000 आया है, 5000 ओके कर दिए, ठीक है। तो अब ये हमारा देखिए, यहाँ पे टोटल बैलेंस हमारा दिखा रहा होगा कि एक तारीख ऑटोमेटिक ले लिया, ये हमारा 5000, ठीक है, अब 5000 है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, अब आते हैं जैसे हमें आउट, हमें किसी को देना भी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे आके मान लीजिए हमने किसी को 2300 रुपये दे दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, ये देखिए ऑटोमेटिक जो पैसा गया है यहाँ रेड कलर हो गया, और जो आया है ये हरा ही का हरा ही है। अब हमें इसे इधर आके देख लेना है। अब हमारे पास फ्रेंड्स बैलेंस बचा है 2700 रुपये मेरे हाथ में, क्योंकि देखिए और ये डेट भी ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया जिस डेट को आप ट्रांजेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आप देखिए 5000 आपने आया आपके पास, 2300 आपने दे दिए, तो आपके पास 2700 रुपये बचा। तो फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक स्टोर सेव भी होता रहता है। इन फ्यूचर कभी भी आपका फ़ोन खो जाए, चाहे आप अनइंस्टॉल हो जाए, अपना मोबाइल नंबर डाल के जब भी लॉगिन करेंगे पूरा आपका जो भी डाटा रहेगा रिस्टोर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका कैश रजिस्टर बहुत ही बेहतरीन है, आपको हर जगह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी यूज करिए इसको और मज़े लीजिए कैश रजिस्टर का। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास मिलती है मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।